वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है हॉल वीडियो। और यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना है। यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल थैंक्सगिविंग वीक में होता है और इस डे में ब्लैक फ्राइडे सेल चलता है, जो कि बहुत ही ह्यूज सेल है यूएस और कनाडा में। तो यूजुअली जो भी ब्रांडेड चीजें रहती है, जो भी मतलब सारे के सारे चीजों में बहुत ही डिस्काउंट दिया जाता है, और मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, सारे के सारे लोग चीजें, ड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, शूज, कोट्स, जैकेट, ये सब चीजों की बहुत सारी खरीदारी करते हैं। और यूजुअली मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पूरे ईयरली के लिए भी वो लोग स्टॉक करके रखते, ताकि फिर नेक्स्ट ईयर तक में कुछ जरूरत ना पड़े। बहुत मिनिमल मतलब प्राइस में आपको बहुत चीजें मिलती है। तो वही कुछ हॉल वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। लास्ट ईयर मैंने किया था वो वीडियो, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो होपफुली इस ईयर का शॉपिंग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके की शॉपिंग वीडियो ना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियो रहता है, जो कि मैं यूट्यूब में देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना हम लोगों को भी आइडिया मिलती है कि किस तरीके की शॉपिंग हम लोग कर सकते हैं, मिनिमल प्राइस में कर सकते हैं। और मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो कि जो चीज़ मुझे खरीदनी रहती है ना, तो मैं पहले से डिसाइड करके रखती हूँ कि अभी इसका प्राइस कितना है, जब सेल मिलता है तब कितना प्राइस रहता है। तो चीज़ों को देख के तभी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो दुगने दाम दे के मुझे खरीदना है। तो मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ों को देख के खरीदती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो चलिए जैकेट से ही शुरू करते हैं। इस बार मैंने कुछ सारे जैकेट की खरीदारी की है, और मतलब बहुत अच्छा सेल चलता है ना। और यहाँ पे विंटर बहुत ही हार्श होता है, जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पे -15, -16 जैसा वेदर रहता है, और विंटर में इस तरीके के स्नो जैकेट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरीके की जैकेट लिया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया था लाइक 2-3 ईयर्स बैक लिया था, तो धीरे धीरे जैकेट्स ना खराब होने लगते हैं, तो टाइम टू टाइम चेंज नहीं करने से ठंड भी लग सकती है। तो मैंने जैकेट लिया है, ये जो जैकेट लिया है, ये जैकेट लिया है अनिरुद्ध का, ये मैंने मेसी से लिया है। और ये है -0 डिग्री, मतलब इतना गर्म रखेगा कि जब स्नो वगैरह भी पड़े ना, तब उतनी ठंड नहीं लगेगी। तो ये है अनिरुद्ध का जैकेट, और इधर इस तरीके का थर्मल भी दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म वाला है। जब अनिरुद्ध भी ट्रायल कर रहा था ना, वो भी बता रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे मैं खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके का थर्मल वाला अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पे यूजुअली ना जैकेट में नाम भी लिखा हुआ रहता है कि अगर आपका जैकेट स्कूल में या तो कहीं पे मिसप्लेस हुआ तो आप तक पहुँच भी सकता है। तो ये जैकेट अनिरुद्ध का लिया है, और इस तरीके का इसमें मतलब स्टिक करने के लिए लगा हुआ है, ताकि ठंड के टाइम में बस अगर टोपी भी ना पहनो तो चल सकता है। तो ये फर्स्ट जैकेट अनिरुद्ध का लिया है। और नेक्स्ट जो जैकेट है, ये है उज्ज्वल का जैकेट है, ये है कैल्विन क्लेन का जैकेट। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। यूजुअली कैल्विन क्लेन का प्राइस अराउंड $80-$90 जैसा रहता है, बट ये मुझे सेल में मिला है अराउंड $60 5,000 रुपीज़ का है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट वाला है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये जैकेट उज्ज्वल का लिया है। थर्ड जैकेट लिया है मेरा ये वाला है, मेरा भी ये कैल्विन क्लेन का जैकेट है। ये भी बहुत मतलब बहुत सुंदर है, और बहुत बहुत गर्म वाला है। यहाँ पे ये जो फर दिख रहा है ना, ये भी काफ़ी हेवी है। और सबसे अच्छा इस जैकेट का है ना, ये जो हैट है ना, ये डिटैचेबल है, तो इसको अगर खोल देते हैं ना, तो ये जो टोपी है खुल जाएगा। यूजुअली मुझे ये जैकेट में थोड़ा सा ये भारी लगा, तो बहुत ज़्यादा अगर विंटर पड़े तभी ये डाल के रखने से फ़ायदा है। और इसके अंदर इस तरीके का सॉफ्ट पार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा गर्म है।
ये जैकेट मैंने लिया, और ब्लैक का एक मुझे पॉजिटिव पार्ट रहता है ना, ये गंदा नहीं होता है। यूजुअली मैंने रेड कलर का लास्ट ईयर, मतलब लास्ट नहीं, जब लास्ट जैकेट लिया था रेड कलर का लिया था, बहुत गंदा होता है तो उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए इस बार मैंने ब्लैक जैकेट लिया है। इसका प्राइस भी अराउंड $100 था, $100 मीन्स 8,000 रुपीज, और मुझे सेल में मिला $70 का, तो इसका अराउंड 6,000 रुपीज जैसा मुझे पड़ा, जो कि अच्छा है। मतलब अगर कहीं और आप अलग टाइम में लो ना, तो बहुत ज़्यादा इसका दाम रहता है। सो नेक्स्ट जो है शॉपिंग, ये है पजामास का। ये पजामास मैंने लिए हैं अराउंड, ये कितना $8 करके मिल रहे थे, अराउंड 500 रुपया जैसा इसका प्राइस है, 500-600 रुपया जैसा प्राइस है। यूजुअली यहाँ पे क्रिसमस के टाइम में बहुत ही दान किया जाता है, जैसे फूड आप डोनेशन कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, पैसे डोनेट कर सकते हो, या तो टॉयज, कुछ भी ड्रेस, जैकेट, कुछ भी आप डोनेट कर सकते हो, अनओपन चीज, जो कि जरूरतमंद जो बच्चे हैं या तो जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको काम आता है। तो अनिरुद्ध के स्कूल में इस तरीके का डोनेशन चल रहा था, मतलब यूजुअली आप जहाँ पे भी जाओ, लाइब्रेरी जाओ, इस तरीके का पजामा ड्राइव चल रहा है। तो मैंने दो लिए हैं, एक अनिरुद्ध के लिए लिए हैं और एक पजामा डोनेशन के लिए लिए हैं। तो अनिरुद्ध जब कल स्कूल जाएगा ना तो वो दे देगा। और ये मेरा बाथ एंड बॉडी वर्क से, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉप है, क्रीम के लिए, परफ्यूम के लिए, कैंडल्स बोलो, और इस बार मेरा फेवरेट बन गया है हैंड सोप के लिए। तो इस तरीके के मैंने चार हैंड सोप लिए हैं, जो कि काफी अच्छा, मतलब इसका जो कलेक्शन है ना, इतना अच्छा कलेक्शन है, मैं क्या बताऊं। क्रीम मैंने यूज किया, बहुत इसका स्मेल बहुत अच्छा है, कैंडल भी इसका बहुत अच्छा स्मेल है, बट मैंने हैंड सोप नहीं यूज किया था, बट जब ट्रायल के लिए हम लोग जाते हैं ना, अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा स्मेल आया, तो मैंने लिया, और उस टाइम में क्लियरेंस भी चल रहा था, तो वो मुझे काफी मतलब काफी अच्छा लगा। और इसका प्राइस अराउंड मुझे पड़ा $5 या $4 करके, जो कि इंडियन करेंसी में अगर देखो तो ये 350-400 रुपए करके हैंड सोप है। तो मैंने अराउंड 4 लिए, एक मैं यूज कर रही हूँ अपने बाथरूम में, मैंने रख दिया है, और बाकी 3 मैंने स्टोर करके रख दिया, जो धीरे धीरे जब भी यूज होगा वैसे यूज करूंगी। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये टॉवल का सोप सेट, जो कि हैंड वॉश के लिए, मतलब हैंड पोछ के हम लोग इस तरीके का टॉवल यूज करते हैं। तो ये भी मुझे चार सेट है इसमें, छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, और उससे मतलब थोड़ा बड़ा करके इस तरीके का है। तो ये 4 सेट है, और इसका प्राइस मुझे लगा है $6, तो इंडियन रुपीज में अगर देखो तो इस अराउंड कितना 500 रुपया जैसा है। और ये पजामा लिया है अभी के लिए, इस तरीके के थर्मल पजामे ना बहुत यूजफुल होते हैं, मतलब ठंड के टाइम में बहुत यूजफुल रहता है। तो ये भी मैंने मेसी से लिया है, ये क्लब रूम का है, और बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। ये अराउंड कितना $20 का था, जो कि $20-$30 का था, जो कि मुझे $10 मिला है, 500 रुपए का मिला, तो काफी अच्छा डील है। तो ये मैंने लिया है, और अब नेक्स्ट आते हैं शूज की तरफ। सो नेक्स्ट ये वाला साइड में रखते हैं, ये लास्ट पे ही दिखाते हैं। और ये शूज मैंने लिया है अनिरुद्ध के लिए, ये बूट, काइंड ऑफ बूट और शूज जो भी बोल सकते हैं, ये एंकल तक रहेगा तो ठंडा के टाइम में बहुत अच्छा है, मतलब इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। यूजुअली ये सब शूज का प्राइस रहता है अराउंड $30-$40 का, बट ड्यू टू ब्लैक फ्राइडे मुझे $12 में मिला है, जो कि इंडियन करेंसी में कितना अराउंड
1000 जैसा इसका प्राइस है, तो काफी अच्छा इसका क्वालिटी है और बहुत अच्छा भी है। तो ये अनिरुद्ध का एक शूज है और इधर मैंने लिया है अभी के लिए, जो कि यहाँ पे स्नो पड़ता है ना, तो इस तरीके का शूज भी बहुत जरूरत रहता है। अनिरुद्ध का स्नो बूट है तो अनिरुद्ध के लिए स्नो बूट नहीं लिया है, बट अभी के लिए इस तरीके का मैंने शूज, ये काइंड ऑफ बूट एंकल, मतलब जो भी आप बोल सकते हो, बहुत अच्छा है इसका क्वालिटी और वेदर प्रूफ है। तो ये मैंने मेसेज से लिया है और इसका है वेदर प्रूफ विंटेज शूज है। तो इसका प्राइस था अराउंड $100, जो कि मुझे ब्लैक फ्राइडे का एंड $20 पड़ा है। इस अराउंड 1800 रुपया पड़ा है शूज का। तो काफी अच्छा, मतलब बहुत टिकाऊ वाला शूज है, ये हाइकिंग के लिए भी पहन सकते हो, और स्नो तो है, स्नो के टाइम में तो पहनना ही है, बट हाँ ठंड के टाइम में पहन सकते हो, जो कि नॉर्मल स्नीकर्स काम नहीं आते हैं। अब आते हैं मेरे बैग पे। तो यूजुअली मैं ना, मतलब हर एक ब्लैक फ्राइडे के टाइम में एक बैग लेती हूँ, क्योंकि मुझे, आप सभी को जो मेरा वीडियो फॉलो करते हैं, आप सभी को पता है कि मुझे बैग कलेक्शन, मतलब बैग खरीदना बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसे भी मेरा क्रॉस बॉडी बैग खराब हो चुका था, तो मुझे लेना ही था, तो मुझे ये माइकल कोर्स का बैग मिला, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके का यहाँ पे एक चेन है जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पे एक स्पेस है, चेन है, और नेक्स्ट है यहाँ पे। तो माइकल कोर्स का बैग आपको तभी रियल आपको मिलेगा जब इसमें पूरे जो बैग है ना, उसमें आपको माइकल कोर्स लिखा हुआ होना चाहिए। और काफी अच्छा बैग था, जो कि इसका दाम रहता है $400, जो कि इंडियन करेंसी में 400 मतलब 32,000 है, बट मुझे ये मिला है अराउंड $200, जो कि 15,000 रुपीज इसका प्राइस है। तो ये मेरे कलेक्शन में और एक ज्वाइन हो गया है। तो बस यही कुछ मेरी शॉपिंग थी ब्लैक फ्राइडे में। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा टिप्स भी मिल जाता है, राइट? हम लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, मैं भी यूजुअली कोई भी बैग खरीदती हूँ तो एक वीडियो देखती हूँ, जो जैसे मुझे बहुत आइडिया मिल जाता है। तो होपफुली आपको भी इस तरीके का कुछ तो आइडिया मिला होगा, और अगर आइडिया मिला है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अनिरुद्ध यहाँ पे कुछ बोलना चाहता है, तो मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ। सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। यस, सो मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।